वैसे तो ना अजकल गोभी हर सीजन विच मिलती है, पर ठंड के सीजन विच मिलन वाली गोभी है ना जिहड़ी, उहदा स्वाद वखरा ही हुंदा है। होर ना देसी गोभी दे बने हुए परौंठे खाण च बहुत ही स्वाद लगते हैं। सत श्री अकाल जी, पंजाबी वेज मसाला विच तुहाडा स्वागत है। तो आओ हुण गोभी दे वधिया जे परौंठे बनाने शुरू करते हैं। तो परौंठे बनाने की शुरुआत ना आपां आटा गुन्नण तों करांगे, जिहदे वास्ते मैं इत्थे लिया 1.5 कप कणक का आटा। वैसे तो आटा सारयां नूं ही गुन्नना आउंदा है, पर बिगनर्स वास्ते दसना जरूरी है कि स्टफ परौंठिया का आटा किदां दा होना चाहिए। तो हुण आटे दे विच आपां पावांगे चम्मच का चौथा हिस्सा लूण। तो लूण नूं ना आटे दे विच पहलां चंगी तरह मिक्स कर लवांगे। तो लूण मिक्स करन तों बाद ना हुण आटे दे विच थोड़ा थोड़ा पानी पा के ते आपां इहदा नरम जिहा आटा गुन के तैयार कर लवांगे। तो सारा पानी इक्को दम नहीं पाना, पहला थोड़ा जिहा पाओ, थोड़ा आटा मिक्स करो, रला लो, तो फिर जे लोड़ पवे होर पानी पा लवो। तो ए लो जी, इत्थे मैं 1.5 कप कणक दे आटे दे विच 1 कप पानी पा के ते नरम जिहा आटा गुन लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी करके पाया है मैं। तो हुण इह गुन्ने होए आटे नूं ना आपां किसे गिल्ले कपड़े नाल ते या फिर प्लेट नाल ढक के 20 तों 25 मिनट तक इदां ही पिया रहण देवांगे रैसट ते। जदों तक आटा सैट हुंदा है ना उदों तक आपां परौंठियां च भरन वास्ते गोभी तैयार कर लैने आ, जिहदे वास्ते मैं इत्थे 1/2 किलो गोभी दा फुल लै के उहनूं चंगी तरह साफ करके ते उस तों बाद इस तरह छोटा छोटा तोड़ के ना ते चंगी तरह धो के ते सुका भी लिया। ते हुण इह सुकी होई गोभी नूं ना आपां कद्दूकस कर लवांगे। ते कद्दूकस जिहड़ा आपां इत्थे लैणा है ना, इही कोशिश करिओ कि थोड़ा मोटा वाला होवे, ते मीडियम भी चल सकदा है, पर बरीक वाला बिल्कुल ना लिओ, नहीं ते की होएगा कि गोभी एकदम बरीक जी हो जाएगी। जे थोड़ी देर पहला धो के रख देवे ना, तो रख के मतलब छानी च रख देवे, तो जो फुलों के जड़ा भी एक्सट्रा पानी होएगा ना नुचड़ जाएगा। तो पानी नुचड़न तो बाद फिर इनू किसी कपड़े से या टावल से गोभी रख दवो, जो भी पानी होएगा बिल्कुल सुक जाएगी गोभी। और सुकी हुई गोभी के परौंठे बनाओ, फिर वेखियो तुसी किन्ने वधिया लाजवाब परौंठे बनणगे। तो इतने ना मैं सारी गोभी कद्दूकस कर लीती है, पर कद्दूकस केड़ा पोर्शन किया, अगे वाला फुल वाला, यह टंडल जे रहन दिते ने। यह टंडलों कद्दूकस नहीं करना, सिर्फ फुलों करना है। तो आ जे टंडल बचे ने ना इन्हों वेस्ट भी नहीं करना, आलू टमाटर पा के इन्हों की सब्जी बनाओ, बहुत ही स्वाद लगती है। मैनू तो बहुत स्वाद लगती है, टंडलों की सब्जी तुहानू कितनी स्वाद लगती है मैनू कमेंट करके जरूर दस्यो। तो सारी गोभी कद्दूकस करन तो पहला ना मैं यह 2 छोटे फुल गोभी दे रख लए सी, इन्हों का की करना है हुण मैं तुहानू दसदी हाँ। तो यह गोभी नू कद्दूकस ना करके ना आपां इहनू ना इस तरह चाकू ना बरीक बरीक कट्टांगे, यह उपरों उपरों इस तरह। कद्दूकस कीती हुई गोभी तो अलावा इस तरह की कट्टी हुई गोभी जो तो परौंठा खाने विच मूँह जाती है ना, तो बहुत ही जबरदस्त स्वाद आता है, मज़ा ही आ जाता है खा के। तुसी इस तरह जरूर बना के वेखियो, तुहानू भी गोभी का परौंठा बहुत ही स्वाद लगेगा। तो इनू भी बस उपरों उपरों ही आपां कट्टना है, टंडल इहदे भी नहीं कट्टने। तो लो जी, जिहड़ी गोभी मैं रखी सी ना उहदी भी कटिंग हो चुकी है। तो हुण आपां गोभी दे विच मसाले मिक्स करांगे। तो हुण आपां इह कद्दूकस कीती हुई गोभी दे विच पावांगे कट्टिया होया हरा धनिया। धनिए के नाल ही आपां पा देवांगे 1/2 छोटा चम्मच बरीक बरीक कटिया होया लसन, 3 तों 4 हरिया मिर्चा। मैं इहदे विच लाल मिर्चा की वरतों नहीं करनी है, इस करके हरिया मिर्चा ज़्यादा पाई ने। तो जे तुसी लाल मिर्चा पानी चाहते हो तो हरिया मिर्चा घट पा लो। तो 1 छोटा चम्मच पावांगे बरीक बरीक कटिया होया अदरक। तो हुण नाल ही पावांगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, यानी कि पीसिया होया धनिया। तो चम्मच का चौथा हिस्सा पावांगे पीसिया हुई कालिया मिर्चा, यानी कि काली मिर्ची पाउडर। तो हुण इह सारियां चीज़ां नूं आपां कर देवांगे चंगी तरह मिक्स। तो बस इन्ने कु मसाले पा के ही अज आप गोभी का परौंठा बनावांगे, बहुत ही स्वाद बनेगा। गोभी के परौंठे के विचों मसालिया के स्वाद की जगह गोभी का वधिया जिहा स्वाद आएगा। तो तुसी ध्यान दिता होएगा कि मैं ये लूण भी नहीं पाया है ना, तो लूण ये बाद ही पावगी, कदों पावगी बस तुसी वीडियो नू पूरा जरूर वेखियो जी। तो ए लो जी, परौंठियां भरन वाली गोभी की स्टफिंग तो हो गई है तैयार। तो हुण आटे वाल चलते हैं, इन्नी देर च आटा भी सैट हो गया होएगा। तो इत्थे आटे नू गुन के रखे हुए ना 1/2 घंटा हो चुके हैं। तो हुण आपां हाथ ते थोड़ा जिहा घिओ या ऑयल लगा के ना आटे नू कट्ठा जिहा करके होर मुलायम कर लवांगे, थोड़ी जी मुक्की देवांगे चंगी तरह, आटा चंगी तरह मुलायम हो जाएगा। इन्नी देर मतलब कि 1/2 घंटा पहला गुन के रखे हुए आटे दे विच ना वधिया लोच आ जाता है, तो परौंठे जिहड़े ने बहुत वधिया बनते हैं, वेलन लग्या फटते नहीं है। तो मैं अपनी वीडियोज़ विच अगे भी बड़ी बारी दस्या कि स्टफ परौंठे बनाने वास्ते आटा जिहड़ा है ना एक तो नरम होना चाहिए, जिवें आपां रोटियां बनाने ना रोज़ उस तो थोड़ा जिहा नरम, तो दूसरा 20-25 मिनट पहला या इस तो भी पहला गुन के रखो, जिवें अज मैनू 1/2 घंटा हो गया रखे हुए, तो फिर परौंठे बहुत ही वधिया बनते हैं। तो लो जी, आटा भी गुज गया, तो हुण आपां परौंठे बनाने हैं, तो साड़ी स्टफिंग भी तैयार है। तो इत्थे तुसी ध्यान दिता होना है कि मैं गोभी नूं बिल्कुल भी निचोड़िया नहीं है, क्योंकि इहनूं निचोड़न की जरूरत ही नहीं है। जे निचोड़ के बनावांगे ना तो गोभी च वह परौंठिया का स्वाद नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। आ देखो बिल्कुल भी गिली नहीं है,
और ये मैं इन इस तरह निचोड़ा ना तो बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा क्योंकि मैं गोभी चंगी तरह धो के सुका के फिर कद्दूकस किया है। इस करके तुसी भी गोभी पहला सुका लियो तो फिर कद्दूकस करो, देखियो परौंठे बहुत वधिया बनेंगे। तो हुण आपां की करांगे, तैयार स्टफिंग दे विचों एक या दो परौंठियां जिनी गोभी वक्रे भांडे विच कढ़ लवांगे। तो हुण ए गोभी दे विच आपां पावांगे स्वाद दे मुताबिक लूण, क्योंकि लूण आपां पहला पाया नहीं सी ना, ते नाल ही पावांगे थोड़ा जिहा चाट मसाला। तो लूण और चाट मसाले नूं ना आपां चंगी तरह मिक्स कर देवांगे। ए लूण आपां उदों ही पाउणा है जदों आपां भरने शुरू करनी है गोभी, यानी कि परौंठे बनाने शुरू करने ने, उस तो पहला ना पायो। तो हुण गुन्ने हुए आटे विचों लवांगे एक आटे का पेड़ा, जिन्हें साइज़ का तुसीं परौंठा बनाना है उन्ने साइज़ का पेड़ा ले लवो। तो फिर इहदे उत्ते सुक्का आटा ला के थोड़ा जिहा हथ नाल फ्लैट करके ना इहदी छोटी गोल रोटी वेल लवांगे। जे चकले ते वेल के तुसीं भरदे हो तां ठीक है, जे हथ नाल चिन्ह के भरदे हो तां ठीक है, जिवें तुहानूं सौखा लगता है। मैं इस तरह वेल के भरदी हाँ। तो इहदे विच ना हुण आपां पावांगे तैयार कीती हुई गोभी। तो जेकर आपां लूण पहलां पा देवांगे तो गोभी पानी छड्ड देवेगी, तो फिर परौंठा जिहड़ा है वह भरते हुए वेलते हुए टुटेगा। ठीक है, तो इस करके लूण पहला नहीं पाना, नहीं तो गोभी नूं निचोड़न की लोड़ पेगी, निचोड़नी आपां है नहीं है। ठीक है जी, तो हुण की करांगे, इस तरह स्टफिंग नूं थोड़ा जिहा हथ नाल यानी कि अंगूठे नाल अंदर नूं करदे हुए आटे नूं उपर करदे हुए इहनूं आपां सारे पासे चंगी तरह बंद कर लेना है। इस तरह वधिया जिहा आ देखो एकदम गोल कर लेना है, वधिया तरीके नाल बंद करना है इहनूं। आ देखो, तो हुण फिर तो थोड़ा जिहा सुक्का आटा लगा के इनू चकले ते रख के ना सारे पासे फ्लैट कर लेंगे इदा हाथ नाल, ताकि जिहड़ी स्टफिंग है सारे पासे चंगी तरह फैल जाए, इक्को जी आएगी। तो हुण इनू अपना ना हल्के जे हत्थां नाल यानी कि पोले पोले हत्थां नाल वेलांगे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लाना। तो जदों दो परौंठियां की गोभी खत्म हो जाए उदों फिर तो दो तीन परौंठियां की गोभी कट के उस थोड़ा जिहा लूण पा के तो फिर तो उन्होंने मिक्स कर लवो। ठीक है जी, इस तरह परौंठे बहुत वधिया बनेंगे, मेहनत जरूर लगेगी पर रिजल्ट बहुत वधिया आएगा, खाने से स्वाद आ जाएगा। तो देखो जी, जिहड़ा आपां आटा गुन्न के रखिया सी ना उहदे नाल की है कि परौंठा वेलदे हुए कितों फटिया भी नहीं है और बहुत ही वधिया बनया है। तो यह जिहड़ी गोभी उपर आती है ना इहदा तो स्वाद ही बड़ा आंदा है जदों परौंठा तवे दे उत्ते रड़दा है घिओ नाल, क्योंकि आपां थोड़ी जी गोभी कट के पाई सी ना उही इहदे उत्ते आ रही है, तो इहदा स्वाद बहुत वधिया आना है, तां ही मैं कट के पाई है। तो इत्थे परौंठे सेकण वास्ते मैं तवे नूं गर्म किया होया, तो परौंठा पाउण तों पहलां ना आपां तवे दे उत्ते बहुत थोड़ा जिहा घिओ जां तेल पा लवांगे। इहदे नाल की है कि तवा जिहड़ा है मुलायम हो जाता है, चिकना हो जाता है, तो परौंठा तवे ते चिपकदा नहीं है। तो हुण इह वेले होए परौंठे नूं आपां तवे ते पा देवांगे। तो थोड़ी देर तक इस पासों सेकण तों बाद हुण आपां परौंठे दा साइड चेंज कर देवांगे। तो हुण इस साइड तों भी आपां इहनूं अच्छी तरह सेकण देवांगे, तो दूसरे साइड नूं भी थोड़ा जिहा सेकण तों बाद आपां फिर तो इहदा साइड चेंज कर लवांगे। तो थोड़ा थोड़ा जिहा जदों ब्राउन होण लग पए ना फिर इहदे उत्ते लावांगे आपां घिओ जां ऑयल, जो तुसीं पसंद करदे हो, मक्खन भी ला सकदे हो। तो दूसरे पासे भी घ्यो ला लवेंगे, सारे पासे चंगी तरह घ्यो लावेंगे। ठीक है, जे तो मतलब कि परौंठा खाना चाहते हो तो घ्यो मक्खन ला लवो, तो जे तुसी घ्यो अवॉइड करते हो तो इन्हों बिना तले हुए यानी कि बिना घ्यो लाए हुए सुकी रोटी वांगू भी सेक सकते हो, बहुत ही स्वाद बनता है वह भी। कई लोग घ्यो खाना पसंद नहीं करते है ना या अवॉइड करते हैं, तो सुकी रोटी वांगू भी इनू बना सकते हैं। तो गोभी की रोटी हो गई बहुत ही वधिया। तो बस हल्का हल्का जहा प्रेस करते हुए इनू आप दोनों पास्यों सेक लवेंगे वधिया जिहा पक्कन तक रड़न तक। बस दोनों पासे घ्यो लाते हुए आपां इन्हां नूं वधिया जिहा सेक लेना है, राड़ लेना है। आ देखो जी क्या वधिया कलर आया है ना परौंठे का। बस जदों इस तरह का वधिया जिहा कलर आ जाए रड़ जाए ना उदों आपां इन्हूं तवे तो ला के प्लेट च रख लवेंगे। तो गर्म गर्म परौंठे के उत्ते लावेंगे घ्यो, जे मक्खन पसंद है तो मक्खन ला लो। तो बस मक्खन या घ्यो ला के तो अचार नाल चटनी नाल या चाह नाल गर्म गर्म गोभी के परौंठे नूं इंजॉय करो। तो जेकर तुहाडे परौंठे भी वेलन लगे फटदे ने ना तो इस तरीके नाल बनाओ, बिल बहुत ही वधिया बनणगे, बिल्कुल भी नहीं फटनगे। तो घ्यो और मक्खन ला के परौंठे खाओ जरूर, क्योंकि परौंठे खाए बिना तो साढ़े को पंजाबियों को रहा ही नहीं जाता। पर परौंठे खा के घ्यो मक्खन खा के वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, जे करते हो तो होर ज़्यादा वधाओ ताकि हैल्दी रहो। यह परौंठियां गर्म खाओ ठंडे खाओ दोनों तरह ही स्वाद लगते हैं। तो जेकर रेसिपी पसंद आई है ना तुहानू तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर चैनल सबसक्राइब तो बैल आइकन प्रेस करना ना भुल्यो जी। सत श्री अकाल।